नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना होम टाउन की एक और वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ पटना एयरपोर्ट पे। पटना एयरपोर्ट पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक नया एक्सटेंशन का काम चल रहा था। तो ये सामने जो आप शीशे की इमारत देख रहे हैं, ये पूरा नया एक्सटेंशन है पटना एयरपोर्ट का। जो पुरानी टर्मिनल की बिल्डिंग थी, उसी का एक हिस्सा जहाँ डोमिनोज और एक पहले मेडिसिन काउंटर होता था, उसी का एक्सटेंशन किया गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी बात की ओर। दूसरी जो बात पटना एयरपोर्ट को लेके कही जा रही थी, वो था बीटा में जो एयरपोर्ट बनने वाला है। बीटा का जो एयरपोर्ट है वो अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि खाली लैंड अक्वायर किया गया है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। टोटल प्लान जो है 600 एकड़ लैंड का है, और उसमें से कुछ ही लैंड अक्वायर किया गया है और कुछ लैंड का एक्विजिशन ऑलरेडी चल रहा है। बीटा का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो पटना के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर्स दूर है। बीटा एयरपोर्ट को कॉमर्शियली ऑपरेशन स्टार्ट करने में मेरा जो अनुमान मैं लगा पा रहा हूँ, कम से कम 10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी लैंड एक्विजिशन का ही काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन के बाद प्रपोजल जाएगा, बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो अप्रूव होगा, उसका वेंडर्स सेलेक्ट होंगे, वेंडर्स एयरपोर्ट बनाने में 4 से 5 साल लेंगे। तो ये सब देखते हुए बीटा एयरपोर्ट जो है कम से कम भी 10 साल दूर है 2020 से। साल 2030 से पहले बीटा एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो अभी इमीडिएट क्या कर रहा है पटना एयरपोर्ट, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी इमीडिएटली दो चीज़ें हुई है। सबसे पहले तो पुराना जो टर्मिनल था उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है, जो कि आप लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो उस समय कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और अभी आप जो ये सामने देख रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्ट होके कम्प्लीट है। और दूसरा जो काम हो रहा है वो एक नए टर्मिनल का चल रहा है। एक नया टर्मिनल का बिल्डिंग जो है उसका कंस्ट्रक्शन पटना एयरपोर्ट के कैंपस में ही हो रहा है, वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो दोस्तों, ये थी बात एग्जिस्टिंग टर्मिनल की, जहाँ एक्सटेंशन का काम मैंने आपको दिखाया, और बीटा एयरपोर्ट की। बट जो सबसे मेन डेवलपमेंट पटना एयरपोर्ट पे हो रहा है वो एक नए टर्मिनल का निर्माण है। पटना एयरपोर्ट पे जो पार्किंग का प्लेस था, वहाँ पे एक नया टर्मिनल आ रहा है। इस वक्त मैं वहीं पर हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं कि निर्माण का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये जो नया टर्मिनल है, ये अभी जो टारगेट चल रहा है उस हिसाब से मार्च 2023 तक स्टार्ट होने का प्लानिंग है। और ये जो नए टर्मिनल का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तकरीबन 1216 करोड़ रुपए है। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, इसमें मुख्य तौर पे 5 भाग जो हैं वो नए रहेंगे। पहला तो मेन नया टर्मिनल का बिल्डिंग रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा आगे। और दूसरा जो है वो एक कार्गो कॉम्प्लेक्स रहेगा, फ्राइट को लाने और ले जाने के लिए कार्गो का एक अलग कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग बनेगा, जिसमें कार्गो एंड अलाइंड सर्विसेज होंगी। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी मल्टी लेवल कार पार्किंग। और नया जो टर्मिनल बिल्डिंग का पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें G+5 यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर्स का मल्टी लेवल कार पार्किंग रहेगा। अगर आप वीडियो में सामने देखें तो आपको ये नज़र भी आएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कार पार्क वाला एरिया है, और ये तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर फिट में बना हुआ है। कवर्ड एरिया जो है वो 3 लाख स्क्वायर फिट के करीब है। जो ये कार पार्किंग वाला एरिया है, ये मल्टी लेवल रहेगा G+5, और इसमें 750 कार्स के पार्किंग की क्षमता होगी एक समय पे। इसके अलावा एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम टेक्निकल बिल्डिंग भी रहेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जैसा कि आप जानते होंगे, एक लंबा सा पुलनुमा छोटा सा बिल्डिंग होता है काफ़ी हाइट पर, जो कि एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और उसके ऊपर कई सारे जो है रडार और कई तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। इसके अलावा एक नया फायर स्टेशन होगा, और फायर स्टेशन के अलावा पार्किंग बेस जो हैं एयरक्राफ्ट के लिए, वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और 5 नए कवर्ड एयरक्राफ्ट पार्किंग बे बनेंगे, एप्रन जिसे कहते हैं, एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए जो उनकी कवर्ड पार्किंग होती है। तो ये था बहुत ही ब्रीफ में न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अब हम लोग आते हैं सबसे जो इंटरेस्टिंग और हमारे लिए काम की चीज़ है, जो कि ये मेन एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है। अगर आप वीडियो में ध्यान से देखें तो सामने जो आपको छड़ वगैरह दिख रहे होंगे, ये सारे नए जो टर्मिनल बिल्डिंग है उन्हीं के कंस्ट्रक्शन के छड़ आप देख पा रहे होंगे, और पीछे कॉम्प्लेक्स भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस पे काम जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग है,
खाली इस टर्मिनल बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो क्लोज टू 700 CR है। 1216 कुल कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें से 700 CR के करीब जो है वो मुख्य जो टर्मिनल बिल्डिंग है खाली उसी को अलॉट किया गया है। और ये जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग है इसमें अराइवल्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा और डिपार्चर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। जैसा कि नया कॉन्सेप्ट में आजकल जो भी नए एयरपोर्ट बन रहे हैं जनरली अराइवल और डिपार्चर का फ्लोर ही अलग रहता है, ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं हो और ट्रैफिक जैम नहीं हो। अराइवल्स वाली जो कार्स हैं वो अराइवल सेक्शन जो ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ से पैसेंजर्स को पिक करें, और जो ड्रॉप करने के लिए लोग आए हैं वो डिपार्चर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा वहाँ पे ड्रॉप करके जो है व्हीकल निकल पाए। और टोटल जो टर्मिनल बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर फीट करीब है, 7 लाख स्क्वायर फीट। फर्स्ट फ्लोर पर जो डिपार्चर सेक्शन है उसमें 52 चेकिंग काउंटर्स रहेंगे, और प्लस पटना के एयरपोर्ट में एक भी एरो ब्रिज नहीं है, तो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद 5 एरो ब्रिज भी इसमें बनाए जाएंगे। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा कम्यूटर्स के लिए कि एरो ब्रिज के साथ वो डायरेक्ट जो है प्लेन में इंटर कर पाएंगे। और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 80 लाख पैसेंजर पर ईयर के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। और एग्जिस्टिंग जो अपना टर्मिनल है पटना का पुराना वाला, उसका जो करंट लोड है वो तकरीबन 40-45 लाख पैसेंजर पर ईयर का है, यानी अभी से तकरीबन डबल लोड के हिसाब से ये डिज़ाइनिंग की जा रही है। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसमें सबसे ज़्यादा शायद लोगों का इंटरेस्ट आएगा कि ये जो 7 लाख स्क्वायर फीट का टोटल ये जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग है उसमें 62,000 स्क्वायर फीट यानी 62,000 स्क्वायर फीट जो है वो तकरीबन रिटेल और शॉपिंग के एरिया को दिया जा रहा है, यानी विभिन्न ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए टर्मिनल बिल्डिंग में। प्लस जो अराइवल का सेक्शन है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट्स भी होंगे, जैसा कि अभी पटना एयरपोर्ट पे एक ही कन्वेयर बेल्ट है या उसे एक्सटेंड करके 2 कन्वेयर बेल्ट की तरह बना रखा है उन्होंने, उस तरीके के टोटल 5 कन्वेयर बेल्ट्स रहेंगे इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, लोगों के आने जाने में परेशानी जो भी पटना एयरपोर्ट पे लोग फेस कर रहे हैं वो नहीं फेस करेंगे। और आपने फोटो रेंडर्स में भी देखा होगा कि आगे का डिज़ाइन कैसा होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट पटना एयरपोर्ट का। बहुत ब्रीफ में इसे कंक्लूड करने के लिए, बीटा एयरपोर्ट अभी बहुत दूर है, कम से कम 10 साल दूर है। सबसे लेटेस्ट जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो पुराना टर्मिनल था उसमें एक नया एक्सटेंशन हो गया है, तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट ऑफ एडिशनल स्पेस निकल के आया है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा अंदर में जो जगह है बढ़ गई है। चेकिंग काउंटर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होते थे एक ही जगह पे होते थे वो अब थोड़ा थोड़ा फैल के हो गए हैं, सिक्योरिटी के लिए भी एडिशनल गेट्स हो गए हैं। तो ये था एक अभी का एकदम लेटेस्ट अपडेट। उसके अलावा जो अभी नियर फ्यूचर में आने वाला है 2023 का जो प्लानिंग है इनका मार्च तक कंप्लीट करने का, वो है एग्जिस्टिंग साइट पे नए टर्मिनल बिल्डिंग का, जो कि एग्जिस्टिंग साइट का जो पार्किंग स्पेस था वहीं पे आ रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट नए टर्मिनल बिल्डिंग पटना एयरपोर्ट का। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे ही पटना और बिहार के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रॉम अपना होम टाउन।